हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास सबका स्वागत है, और आज जस्ट के कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करने वाले हैं कि हमें ना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके मेरी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम जस्ट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना, किस तरह से सवाल को समझ करके वहाँ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन हमारे सही होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जस्ट का एग्जाम ना आपको अंदर से खींचता है, आपका अंदर से पोटेंशियल निकालता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जस्ट के कुछ प्रैक्टिस से। कोई क्वेश्चन 2019 का मैंने पहला क्वेश्चन लिया, आपको स्क्रीन पर आपके दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला गया कि वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ कैरीज अ करंट आई एज शोन इन द फिगर। आपको एक तार दिया गया है जिसमें चार्ज डेंसिटी भी और करंट भी है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, करंट आई। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। टेक द परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू बी वन। ठीक है, परमिबिलिटी और परमिटिविटी आपसे वन ले ली गई है। पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज एट अ डिस्टेंस एल इज एट अ डिस्टेंस आर एंड ट्रैवलिंग अलोंग द ट्राजेक्टरी पैरेलल टू द वायर। ठीक है, वो वायर के पैरेलल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी समथिंग। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चार्ज, आपसे स्पीड ही पूछ ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से है, जस्ट 2019। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि तार है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और उसमें जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा। ठीक है, इनफाइनाइट वायर आई थिंक दिया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये लगभग लगभग इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, और इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर हमारे पास एक चार्ज है क्यू। ठीक है, और ये मूव कर रहा है, मान लो सर्टेन वेलोसिटी वी से, यही वी हमें निकालना है, यही वी हमें निकालना है। और कुछ दिया गया है नहीं। ठीक है, अप्रोच सुनते हैं ध्यान से। देखो, अगर ये चार्ज है, ठीक है, बेसिकली मूव कर रहा है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, बट जब मूव कर रहा होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाती है। तो बेसिकली यहाँ पर तार की वजह से तार में करंट थी, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और चार्ज डेंसिटी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, यानी दोनों फील्ड्स प्रेजेंट है। इसका मतलब जो है चार्ज पे दोनों तरीके के फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अवे है, ठीक है, बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, क्यू ई क्यू ई। अब ई क्या है हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा लैम्डा की वजह से आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, चूंकि पॉजिटिव चार्ज था, मैग्नेटिक तार में करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करोगे तो पॉजिटिव पे फोर्स इधर आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है दैट इज क्यू वी बी, जो इधर की तरफ होगा। बात समझ आ रही है, हमें क्या चाहिए, हमें निकालनी है वेलोसिटी। अब चूंकि वो पैरेलल मूव कर रहा है, यानी ना वो उधर की तरफ भाग रहा है ना वो इधर की तरफ भाग रहा है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स जो होंगे वो बैलेंस होंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं क्यू ई बराबर क्यू वी बी। क्यू ने क्यू को मार दिया, वी क्या आ गया यहाँ से, ई बटा बी। अब ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, टू के लैम्डा बाई आर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो आता है दैट इज म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। सही है, उठा करके यहाँ डाल देंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, ई इज इक्वल टू टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू लैम्डा बाई आर अपॉन अपॉन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। 4 पाई आर से 4 पाई आर कैंसिल हो गया, ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, टू लैम्डा बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई, और ये आपको दिया गया 1 है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आपसे बोल दिया गया 1 है, तो आंसर क्या आ गया इसमें, टू लैम्डा बाई आई, टू लैम्डा बाई आई। बात क्लियर है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एक बार चेक कर लो आप। ठीक है, इसमें आई थिंक ऑप्शन 2 लैम्डा बाई आई कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक बार चेक कर लेना कोई सा तो ऑप्शन होना चाहिए, एक बार चेक करो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। 2 के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ओ 2 पाई आर था ये, है ना, 2 पाई आर था ये 2 पाई आर था, तो ये हमारा जो है ये बचेगा 2, है ना, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं बचेगा, तो आई थिंक लैम्डा बाई आई आ जाएगा क्या इसमें, जो ऑप्शन है लैम्डा बाई आई, हाँ ए ऑप्शन आई थिंक आ जाएगा इसका, लैम्डा बाई आई।
ए ऑप्शन इज करेक्ट, लैम्डा बाई आई, ये टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये था ना 2 पाई आर, मैंने 4 पाई आर गलती से लिख दिया, इसको करेक्शन कर लेना ठीक है। तो 2 बाई 4 पाई कंप्लीट को काटोगे पीटोगे, सिंपल लैम्डा बाई आई आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। जैसे हम लोग जनरल एग्जाम देते हैं वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अलग होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन अलग होती है, बट यहाँ पर देखो किस तरह का एक सवाल बनाया गया है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लगवा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स टोटली लॉरेंज फोर्स बेसिकली लगवा रहा है ठीक है, क्यू ई और क्यू बी बस इक्वेट कराना था आपको, बात क्लियर है। चले अगला सवाल की तरफ ठीक है, इसको उतारो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका जस्ट 2019 का है ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, कंसीडर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटल ठीक है, स्फेरिकल मेटल शेल, आपको दो स्फेरिकल मेटल शेल जो कि कंसेंट्रिक है ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कंसेंट्रिक मेटल शेल आ जानी चाहिए ठीक है, जिनकी रेडियस आर वन एंड आर टू है, जहां पे आर टू बड़ी है ठीक है, तो मतलब बड़ा वाला आर टू होगा छोटा वाला आर वन होगा ठीक है। द आउटर सेल हैज चार्ज क्यू एंड द इनर सेल इज ग्राउंडेड, जब भी ग्राउंडेड का कॉन्सेप्ट आ जाए ना वहां बहुत ध्यान समझना इन चीजों को ठीक है। कहां से ये जस्ट 2019 ठीक है, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है ठीक है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, बड़े वाले पे जो चार्ज है दैट इज Q और जो छोटा वाला है दैट इज ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड है। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द चार्ज और इनर सेल, इस पे हमें चार्ज निकालना है। तो एक एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो मैंने देखा है इस तरह के क्वेश्चंस में, कि जब भी आप चीजों को ग्राउंड कर देते हो, जब भी आप लाइक किसी भी सिस्टम को अपने ग्राउंड कर दिया, तो वहां पर आप क्या कर देते हो कि उस पर चार्ज जीरो कर देते हैं जनरली हम लोग, मतलब जब मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखी कि आपने सपोज एक स्फीयर था उसको मैंने ग्राउंड किया तो वहां पर चार्ज जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको ग्राउंड कराना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले उसका चार्ज जीरो नहीं कराते हैं, हमेशा उसका पोटेंशियल जीरो कराना होता है ठीक है। पोटेंशियल जीरो कराने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि उसका चार्ज भी जीरो हो जाएगा ठीक है। जनरली आप सोचते हैं कि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है, और अगर हम इसको जीरो करते हैं तो क्यू भी जीरो हो जाएगा, बट नहीं, ध्यान से सोचो कि यहां पर जो पोटेंशियल है ना वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, वो बाहर वाले जो स्फीयर है इसकी वजह से भी है, और जो अंदर वाले स्फीयर पे कुछ चार्ज होगा उसकी वजह से भी है। तो अगर हम बात करें कि इस वाले छोटे वाले स्फीयर पे टोटल पोटेंशियल अगर हम लिखना चाहें, तो टोटल पोटेंशियल हम किस तरह लिखते हैं, ध्यान से देखो, तो V इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं स्फेरिकल स्फीयर वन, इसको मान लेते हैं स्फीयर टू, तो इसको वन मान लो ठीक है, इसके वन है तो इसको टू मान लो ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर वन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर टू। तो स्फीयर वन की वजह से जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू डैश बाई आर वन, इसके सरफेस में कितना है आर वन, प्लस जो बाहर वाला स्फीयर है, हमेशा ध्यान रखना कि जब स्फेरिकल शेल ले रहे हैं तो उसके अंदर जब पोटेंशियल लिखना होता है, ये स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर जो इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है ठीक है, तो बाहर जब पोटेंशियल लिख रहे हैं तो हमेशा के क्यू बाई स्मॉल आर लिखेंगे, लेकिन अंदर हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे, चूंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल कितना जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो अंदर जब हम पोटेंशियल लिख रहे होते हैं तो बड़े वाले की रेडियस लिखते हैं, तो अंदर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं बड़े वाले की वजह से, तो इसकी क्या जाएगी रेडियस, यानी के क्यू बाई R2, और इसको कर देना है हमें जीरो के बराबर, यहां से हमें चाहिए Q डैश की वैल्यू, तो यहां से K जीरो में चला जाएगा, क्या बच जाएगा Q डैश दैट इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस Q बाई R2, यानी R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस Q R1 बाई R2। आपसे शायद मैग्नीट्यूड इसमें पूछा गया था, तो आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी क्यू आर वन बाई आर टू, यानी ऑप्शन आई थिंक ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, आर वन बाई आर टू इंटू क्यू ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बात समझ आ रही। तो जब भी इस तरह का ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट आ जाए वहां पर हमेशा ध्यान रखना कि पोटेंशियल को जीरो कराना, ना कि चार्ज को जीरो, बात क्लियर है ठीक है। सिमिलरली एक काम एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास दो स्फीयर्स, जब दो स्फीयर्स हमारे पास टच हो या ऐसे रखे होते हैं ठीक है, मान लो इस पे हमारी रेडियस थी आर वन और इसकी रेडियस थी आर टू ठीक है, इस पे चार्ज था क्यू वन, इस पे चार्ज था क्यू टू, इन दोनों को जब कनेक्ट करा दिया जाता है तो हमेशा बहुत बहुत ये भी मैंने मिस्टेक देखी है कि जब दोनों को कनेक्ट कराते हैं तो जनरली लोगों का ये अप्रोच होता है कि दोनों पे चार्ज इक्वेट कराते हैं, इस पर रहता था क्यू वन प्लस क्यू टू बटा दो, इस पर भी रहता है क्यू वन प्लस क्यू टू बटा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान समझो कि जब भी उन दोनों को कनेक्ट करा रहे हैं तो कनेक्शन में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज कि कनेक्शन के दौरान चार्ज जब एक पोटेंशियल से सॉरी एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में जब फ्लो होता है तो कब तक फ्लो होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल ना इक्वल हो जाए। यहां पर भी हमेशा पोटेंशियल इक्वल कराना होता है, तो मान लो अगर क्यू चार्ज बहा है यहां से यहां तक, तो इस पर कितना बचा क्यू वन माइनस क्यू और इस पर कितना हो गया क्यू वन सॉरी क्यू टू प्लस क्यू, तो इस पे पोटेंशियल लिखना के क्यू वन माइनस क्यू बाई आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू प्लस क्यू बाई
आर टू, यहां से आप इसको सॉल्व करके जो स्मॉल क्यू फ्लो करा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ना कि यहां पर हमेशा पोटेंशियल इक्वेट कराना होता है, कभी भी चार्ज मत डिवाइड मत कर देना कि चार्ज यहां से यहां बराबर हो जाएगा, चार्ज बराबर नहीं होता है, वो पोटेंशियल होता है जो बराबर बराबर आपका इक्वेट मतलब सेम हो जाता है। समझ आ रही है यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, उतारो इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जस्ट 2020 से, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक रिंग दिया गया, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, एक रिंग है जिसकी रेडियस आधी मीटर है और उसमें एक गैप है आपको, उसमें किस तरह का गैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह का गैप आपको दिख रहा होगा है, तो जो इस तरह का गैप है उसकी जो लेंथ है दैट इज 0.002 पाई, ठीक है, तो इस गैप की जो लेंथ है इसको हम एल मान लेते हैं, तो एल की वैल्यू कितनी है 0.002 पाई मीटर, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, इफ द रिंग कैरीज +1 कूलम्ब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट, यानी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया 0.1 कूलम्ब, सॉरी 0.1 कूलम्ब नहीं 1 कूलम्ब है, ठीक है, क्यू कितना है इस पे 1 कूलम्ब है, ठीक है, आपसे बोला डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आपका है जस्ट 2020। ध्यान से देखना सवाल, जब भी हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती है तो वास्तविकता में हम क्या करते हैं कि उसके सेंटर पे अगर वो टोटल कंप्लीट रिंग है तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सोचना कि ये वाले सारे कंपोनेंट्स इधर वालों को कैंसिल कर रहे होंगे, बट यहां पर एक इसके इस वाले जो गैप है ना इसके जस्ट अपोजिट में एक कंपोनेंट होगा, ये मान लेते हैं वो कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को ना इस कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर कहीं आ रहा होगा और उसको कैंसिल करने के लिए जो प्रेजेंट होना चाहिए था ना वो है ही नहीं, इसका मतलब इसकी वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आने वाला है। अब उसकी कैलकुलेशन थोड़ा देखो, जगह जगह इसके जो क्वेश्चंस जब सॉल्व करवाया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को अपनी अपने मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो एक आसान सा मेथड सुनना ध्यान से, कैसे कर सकते हैं इसको, हम एक बात जानते हैं, हमें ना इस पे अगर हम निकालने कितना चार्ज है, पहली बात, ठीक है, कितना चार्ज है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि देखेंगे कि कितना एंगल, पहली बात तो ये बना रहा है भाई, कुछ एंगल बना रहा होगा ये ना, कुछ एंगल बना रहा होगा, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, इसका एंगल भी कैलकुलेट करेंगे कितना ये थीटा बना रहा है, और चार्ज और एंगल पता हो गया तो हम जानते हैं कि एक आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि ई ड्यू टू एन आर्क दैट इज 2k λ/r into sin θ/2, this is the electric field due to arc, हम थीटा पता कर ले और इस पे लैम्डा पता कर ले तो हम इजीली ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो, तो लैम्डा बहुत ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वरना इस क्वेश्चन को बहुत लंबे लंबे प्रोसेस से भी किया गया है, ठीक है, तो एक इसका अप्रोच ये दिखाया गया कुछ जगह ऊपर कि इसको ना ऐसे मिलाया आपने, ठीक है, फिर एंगल आपने कैलकुलेट किया ना इसका θ1 और θ2 कैलकुलेट करो, फिर लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, आप इसमें वो बेसिक sin θ1 + sin θ2 वाला कैलकुलेट करो, तो लंबा सा उसका मेथड आता है, वो उससे मैं नहीं ले जा रहा हूँ आपको, मैं एक आसान अप्रोच आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। अच्छा, तो E due to R हमें पता है, हम सबसे पहले लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज बेसिकली टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज इस पर कितना है 1 कूलम्ब अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ ध्यान से देखना, टोटल होती है 2πr, जिसमें से आपकी इतनी लेंथ पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, टोटल होती है 2πr, तो 2πr कितना है 0.5 माइनस इतनी लेंथ हटा देनी है हमें, तो क्या आ जाएगी 0.002 पाई, इतना हमें हटा देना, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बाई, ये हो गया हमारे पास 0.5 × 2 यानी 1, यानी पाई माइनस 0.002 पाई, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 1/0.998 है ना, 998 पाई, दिस इज लैम्डा। अच्छा साहब, लैम्डा हमें पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे, थीटा कैलकुलेट करेंगे, कैसे थीटा कैलकुलेट करेंगे, देखो जो पूरा 2πr लेंथ है वो कितना एंगल बनाता है 360, तो पूरा 2πr बनाता है 360, ठीक, तो 1 कितना बनाएगा 360 by 2πr, तो हमें कितनी लेंथ में चाहिए, इतनी लेंथ में, तो इतनी लेंथ में कितना एंगल बनेगा, ध्यान से देखना, इतनी लेंथ में 0.002π लेंथ में कितना एंगल बनेगा 360 by 2πr × 0.002π, करेक्ट है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास r की वैल्यू अब डाल दो, r की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 × 2 1 हो गया, यानी 360 × 0.002, यानी इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 3 जीरो हो गए
और 36 × 72 720 by 1000 यानी आपका हो गया 0.72 दिख रहा है आपको, लेट मी चेक। हाँ ये विजिबल है ना यहाँ तक, ये लिखा हुआ आपका 720 by 1000, ये क्या हो गया हमारे पास 0.72, तो एंगल कितना बन रहा है 0.72 डिग्री। क्लियर है, हमें एंगल पता हो गया, हमें लैम्डा पता होगा, उठा करके रख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना आया 1/0.998 पाई, ठीक है, बाई आर, आर कितना है, आर इज 0.5, ठीक है, इंटू साइन थीटा बाई टू, थीटा कितना है 0.72, थीटा बाई टू करो कितना जाएगा साइन 0.36, साइन 0.36 दिख रहा है, हाँ ठीक है साइन 0.36, तो ये आ गया हमारे पास, बस अब कुछ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसको सॉल्यूशन, बाई साइन 0.36 की वैल्यू रखोगे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ कुछ कैंसल वैंसल भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, 0.5 है इसको आप 0 उठाओगे, 5 × 20 = 36, थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली हो जाएगा, उसको आप डायरेक्टली पुट करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 7.21 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम्ब, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना न्यूटन पर कूलम्ब, तो आई थिंक 7.21 आ रहा है ना अपना, तो इसमें आ जाएगा 7.2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7.2 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये थोड़ा सा इजीएस्ट अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप, मैंने बताया ना आपको कि लंबा सा मेथड भी आप सॉल्व फॉलो कर सकते हो, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है तो बच्चों को अक्सर टफ लगता है वो, बट इसमें आई थिंक कोई भी टफ नहीं है, आप सिंपल थीटा कैलकुलेट करो और हमारे पास लैम्डा कैलकुलेट करो, दोनों को उठा के बस इस फॉर्मूले में रखना है E(2r), ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है, यहाँ 3 स्टार में बना दे रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बात क्लियर है, चले अगले सवाल की तरफ, कोई कंफ्यूजन आता है, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसको आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली नहीं सोचेंगे तो आप इसमें गलत कैलकुलेशन कर सकते हो और बहुत लंबी कैलकुलेशन भी चली जाएगी बट आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि हमारे पास आपसे बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर इज गिवन बाई दिस, जस्ट 2018 का सवाल है ये, क्या सवाल बोल रहा है आपसे, क्या सवाल बोल रहा है आपसे कि रेडियल डेंसिटी आपको दी गई रो आर इज इक्वल टू, रो आर इज इक्वल टू रो नॉट, रो नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपको दी गई है चार्ज डेंसिटी, ठीक है, फॉर आर इज लेस देन आर, ये कहां है, आर इज लेस देन आर है एंड अदरवाइज जीरो, ठीक है, ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सर्फेस ऑफ इलिप्सॉइड विद एक्सिस 3r 4r 5r centered at the origin, आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है जो कि एक इलिप्सॉइड से पास कर रहा हो जिसकी एक्सिस जो है वो 3r यानी x एक्सिस 3r y एक्सिस 4r और z एक्सिस 5r हो, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कि जो फ्लक्स पास से अपन थोड़ा इलिप्सॉइड बनाते हैं, ठीक है, अपन थोड़ा इलिप्सॉइड बनाते हैं, इस तरह का इलिप्सॉइड होगा, अब जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्रेजेंट इन अ रीजन वेयर आर इज लेस देन, मतलब इस रीजन में जहां पे एक आप सपोज दैट आर रेडियस का, इस रेडियस का आप एक स्फीयर बनाओ और उसके अंदर ही हमारे पास कंप्लीटली चार्ज अवेलेबल है, तो सपोज दैट ये हमारे पास वो चार्ज डेंसिटी, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छा सवाल है, यहां पर चार्ज अवेलेबल है, ठीक, अब क्या है कि आपको यहां से इसमें 3r 4r 5r, तो x में ये x अगर है, ये y है, ये z है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 3r है, ये डिस्टेंस 4r है, ये डिस्टेंस 5r है, बात समझ आ रही, अब सवाल आपको कंफ्यूजिंग क्यों लगेगा, क्योंकि आपसे इलिप्सॉइड पूछा गया जहां से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल, या आप सिंपल फाई को लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन क्या लिखते हैं, रो इंटू डीवी बाई एप्सिलॉन नॉट, बात समझ आ रही है, ठीक है, तो ये फ्लक्स हमारे पास होता है, रो की वैल्यू आप रखोगे बट डीवी कहां से कहां तक, आपको किस वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है इसको, तो ध्यान रखना कि जो यहां इस चार्ज की वजह से, जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भाई फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वही तो इस इलिप्सॉइड से पास हो रही होंगी, जब वो इस इलिप्सॉइड से पास हो रही होंगी तो बेसिकली वही आंसर होगा हमारा, तो आपको इस रीजन में बेसिकली इस रीजन से, इस रीजन में चार्ज को कंज्यूम कराना है और इस रीजन से पास होता हुआ फ्लक्स निकाल लेना है, बेसिकली वही तो आंसर होगा, क्योंकि वही होगा जो आगे चल के उस इलिप्सॉइड से निकलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो रो की वैल्यू आप सिंपल डाल दो यहां पर, क्या आ जाएगा, तो फाइ ई क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइ ई दैट इज इक्वल टू, फाइ ई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू इंटू डीवी, आपको चूंकि यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो आप सिंपल यहां पर वॉल्यूम एलिमेंट क्या ले सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4
पाई आर स्क्वायर डी आर, ये होता है आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में कर लो एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है। कुछ नहीं बस सॉल्व करना है इसको, क्या जाएगा यहाँ से, फाई ई हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई रो नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे और आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू कैपिटल, क्योंकि वहीं तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो किसका इंटीग्रेशन है हमारे पास, हमारे पास इंटीग्रेशन है आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर पावर 4 का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर फ्रॉम लिमिट 0 टू कैपिटल आर, करेक्ट है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा, 4 पाई रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या जाएगा हमारे पास, आर क्यूब बाई 3, यानी लिमिट रखेंगे तो कैपिटल आर पावर 5 बाई 3, कैपिटल आर पावर 5 बाई 3 माइनस सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, आर पावर 5 बाई 5 यानी कैपिटल आर पावर 5 बाई 5, करेक्ट है। 5 से 3 क्या 2, 4 दो ना 8, कितना बचा हमारे पास, तो मैं इधर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, फ्लक्स इज इक्वल टू 8 बच गया, 8 पाई रो नॉट, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर है ऊपर आर पावर 5 है तो कितना बचेगा यहाँ पर, आर क्यूब बाई नीचे कितना हो गया 5 थ्री 15 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, कुछ और बचा क्या, नहीं, दिस इज द फाइनल आंसर, मिला लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, 8 बाई 15 एप्सिलॉन नॉट पाई रो नॉट आर क्यूब, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और एक आपसे राय मेरी मुझे और चाहिए, क्योंकि बोर्ड में अपन इन सॉल्यूशंस को कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर लैपटॉप पे कर रहे होते तो आई थिंक आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो लगातार दिख रहा होता, ठीक है। और आप एक बार सजेशन देना कि क्या इन तरह के जब क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहा हूं, तो क्या इसको हम लोग लैपटॉप पे कर सकते हैं या बोर्ड पे बेटर समझ आता है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, सपोज दैट अगर मैं कॉपी पे समझा रहा हूं तो बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड पे ज्यादा समझ आता है, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग होता है मेरे इस पे पढ़ाने में या उस पे पढ़ाने में, बट समझने का नजरिया होता है कि कहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है, बोर्ड पर ज्यादा अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन हो पाता है या जो हमारा लैपटॉप पे, तो वो आप एक बार अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो छोड़ सकते हो नीचे, ठीक है, ताकि मेरे लिए आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। चलते एक क्वेश्चन भी और कर लेते हैं इस पे, ठीक है, फिर अपन इस क्लास को रैप अप करेंगे, चाहे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग लैपटॉप पे कर रहे होते तो शायद कुछ ज्यादा क्वेश्चन में भी हो गए होते, बट आई डोंट नो, ठीक है। तो चलो उतारो इसको, फिर चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो जस्ट 2018 से है, कहां से, जस्ट 2018, और किस तरह का सवाल है जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जस्ट 2018, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिख रहा होगा कुछ कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा टाइम्स आर मल्टीप्लाइड विद आर वेक्टर बाई आर क्यूब, आर वेक्टर बाई आर क्यूब, हाँ करेक्ट है, एंड अल्फा सॉरी डेल्टा एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। द नेट चार्ज विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस अल्फा इनवर्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज, आपसे बोला गया है टोटल चार्ज कितना हमारे पास कंज्यूम होगा, जो एक स्फीयर होगा जिसकी रेडियस अल्फा इनवर्स है तो उसके लिए टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है, चार्ज विद इन द स्फीयर, ठीक है। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा आर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद आर वेक्टर बाई आर क्यूब, तो आर वेक्टर बाई आर क्यूब को हम लिख सकते हैं आर कैप बाई आर स्क्वायर, सही है, अच्छा, तो बेसिकली आर कैप इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। आपसे बोला नेट चार्ज निकालना है हमें रेडियस अल्फा इनवर्स में, ठीक है, हमें नेट चार्ज निकला क्यू इन चाहिए, तो एक बात हम जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल या डी ए सॉरी डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको उस पूरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है, तो बेसिकली उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कॉन्स्टेंट, उसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा आर, किसी भी एक पर्टिकुलर आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, ओके, इंटू आर, बेसिकली आर कैप का उसको मैग्नीट्यूड कर लो अपॉन आर स्क्वायर, 1 हो गया, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन डी ए, डी ए क्या है उस पूरी सर्फेस का, उस पूरी सर्फेस का डी ए क्या, 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, हमें क्यू इन चाहिए, हमें क्यू इन चाहिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करा दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा आर, हमें आर की वैल्यू बोलेगी कि इस पर्टिकुलर आर के लिए, तो आर इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स के लिए हमें चाहिए, उठाकर के वैल्यू डाल दो, क्या आ गया, क्यू इन टोटल इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस अल्फा सॉरी 1 माइनस ई पे पावर
वन माइनस ई पे पावर माइनस अल्फा, और अल्फा इनवर्स को लिख सकते हैं वन बाई अल्फा, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ से, हमारे पास बचा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस ई पावर माइनस वन। आई थिंक दिस विल बी द आंसर। लेट मी चेक द ऑप्शंस फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस ई पावर माइनस वन, तो दिस इज द ऑप्शन वन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस इज ऑप्शन ए। बात क्लियर है, आई होप क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको लग रहा है ये आपके लिए बेनिफिशियल है जस्ट के कुछ पीआईक्यूज करा रहा हूं, तो आप बोलोगे तो मैं और पीआईक्यूज करा दूंगा इसके, क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह के पीआईक्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिससे बोलोगे मैं उसके पीआईक्यूज करा दूंगा। ठीक है, आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स को कमेंट सेक्शन में रखो, अपने दिमाग तक सीमित मत रखो, उसको कमेंट सेक्शन में बिखेर दो एकदम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर जो भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम चैनल पर भी या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बात कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।